इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। जयपुर शहर अपनी जीवंत विरासत के लिए मशहूर है, जिसका आनंद यहाँ के शिल्पकारी, वास्तुकला और संस्कृति में उठाया जा सकता है। लेकिन शहर के मध्य में स्थित सिटी पैलेस वास्तव में शाही विरासत का प्रतीक है। जयपुर के शासकों के निवास के रूप में निर्मित सिटी पैलेस के आसपास ही जयपुर शहर विकसित और संपन्न हुआ। ये आज भी जयपुर के शाही परिवार का निवास स्थान है और गुलाबी शहर के समृद्ध अतीत और विरासत को संजोए हुए है। सिटी पैलेस का इतिहास जयपुर शहर की स्थापना से ही शुरू होता है। जयपुर की स्थापना राजपूत शासक सवय जयसिंह द्वितीय ने 1727 में की थी। कछवाहा समुदाय के जयसिंह की पहली राजधानी आमेर का किला था। वास्तुकला और नगर नियोजना के प्रशंसक रहे जयसिंह ने अपनी नई राजधानी को वास्तुशास्त्र के आधार पर बसाया। नौ खंड में विभाजित जयपुर एक पारंपरिक मंडल पर आधारित है। इसके बीच के हिस्से पर दो खंडों में सिटी पैलेस बनाया हुआ है। हालांकि महाराजा सवय जयसिंह द्वितीय ने सिटी पैलेस की स्थापना 18वीं शताब्दी में की थी, पर जयपुर के शासकों ने 20वीं शताब्दी तक इसमें कई नए हिस्से जोड़े और इसकी खूबसूरती को और बढ़ाया। सिटी पैलेस आज एक विशाल परिसर है, जिसमें कई आंगन, इमारतें, मंडप, बगीचे और मंदिर हैं। परिसर में सबसे प्रमुख और सबसे अधिक देखी जाने वाली संरचनाएं हैं ये सुंदर महल, जैसे चंद्र महल और मुबारक महल। शासकों का निवास स्थान रहा 7 मंजिलों वाला चंद्र महल सिटी पैलेस की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। चंद्र महल के सबसे ऊपर का मंडप मुकुट मंदिर कहलाता है, जहां जयपुर शाही राज्य का ध्वज देखा जा सकता है। परिसर के आलिशान द्वार जैसे ये राजेंद्र पोल भी देखते ही बनते हैं। सर्वतोभद्रा या दीवाने खास भी एक मुख्य जगह है। यहाँ मौजूद ये विशाल गंगा जली महल के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। महाराजा सवय माधव सिंह द्वितीय जब 1902 में किंग एडवर्ड द सेवेंथ के राज्य अभिषेक के लिए इंग्लैंड गए, तब उन्होंने ये गंगा जली गंगा से पवित्र जल ले जाने के लिए बनवाई थी। सभा निवास, दीवाने आम या दर्शकों का सार्वजनिक हॉल भी खास है, जहां अदालत या दरबार आयोजित किया जाता था। हॉल को खूबसूरती से सजाया गया है और उसमें शासकों के कई बड़े चित्र भी हैं। परिसर में मौजूद ये बेहद खूबसूरत द्वार भी यहां आने वाले लोगों को खूब लुभाते हैं। सिटी पैलेस ने हमेशा से ही शाही परिवार के भव्य निवास होने के अलावा और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने प्रसिद्ध 36 कारखानों की वजह से ये कला और शिक्षा के संरक्षण का एक केंद्र था। ये कारखाने महल की जरूरतों, संस्कृति, कला, जानवरों की देखभाल से लेकर खातों और प्रशासन तक की सेवा प्रदान करते थे। अपने कई मंदिरों के साथ सिटी पैलेस अनुष्ठान और पूजा का स्थान भी रहा है, जिसमें सबसे मुख्य है गोविंद देव जी का मंदिर। सिटी पैलेस 1949 तक जयपुर के महाराजा की प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था, जब राज्य का राजस्थान में विलय हो गया। महल का एक हिस्सा 1959 में महाराजा सवय मानसिंह द्वितीय के समय में एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया था और आज ये देश के सबसे लोकप्रिय संग्रहालयों में से एक है। महाराजा सवय मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में आप शाही इतिहास से जुड़ी कई चीजें जैसे पेंटिंग्स, तस्वीरें, टेक्सटाइल्स, हथियार आदि देख सकते हैं। सिटी पैलेस के ही बिल्कुल पास में अब सवय जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाई गई वेदशाला, जंतर मंतर और सवय प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया हवा महल भी देख सकते हैं। ये दोनों ही स्मारक बेहद प्रसिद्ध हैं। महल में अभी भी कई ऐतिहासिक अनुष्ठान और परंपराएं जैसे दशहरा, तीज, गणगौर और होली त्योहार मनाए जाते हैं। एक तरह से
सिटी पैलेस से ही जयपुर शहर की कहानी शुरू होती है और आज भी ये उस कहानी को बेहतरीन तरीके से दर्शा रहा है।